तो गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड से स्टॉक में आज के दिन 9.90 रुपए की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर का अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है जहां पर लगातार स्टॉक का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 792 रुपीज इस पॉइंट पर स्टॉक का एक बड़ा सपोर्ट लेवल था पर स्टॉक ने जैसे इस प्राइस को ब्रेक डाउन दिया है ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक बड़ी मात्रा में करेक्शन देखने को मिली है और स्टॉक का नीचे का एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 672 रुपीज जहां पर स्टॉक ने एक लो बनाया और यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में अब एक नया डिमांड जोन बन चुका है क्योंकि यहां से देखें तो स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की मात्रा बढ़ती हुई नजर आ रही है और बड़ी लिक्विडिटी के साथ स्टॉक में एक रैली देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजिशन बनाना चाहते हैं तो 225 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 850 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम जब देखने को मिलेगा जब स्टॉक 790 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है क्योंकि स्टॉक में इसके बाद एक बड़ा डिमांड जोन देखने को मिलेगा और स्टॉक एक बड़े सपोर्ट लेवल के साथ स्टॉक में एक रैली देखने को मिलेगी। ऊपर स्टॉक में रुकावट रेंज बनेगी 882 रुपीज। अभी तो ये स्टॉक वहां से काफी नीचे है तो हमें 725 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।